बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। दी टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज फिजियोकेमिकल टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया। फिजियोकेमिकल टेस्ट ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बैक्टीरिया को करेक्टराइज करने के लिए कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, या उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनके ग्रुप्स वगैरह का पता करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो आइडेंटिफिकेशन है बैक्टीरिया की, वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है, लाइक ग्राम स्टेन रिएक्शंस की बेस पे हो सकती है, जिसमें हम चेक करते हैं कि आइदर बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, उनके रिजल्ट्स की बेस पे। इसी तरह जो बैक्टीरिया के शेप्स होती हैं, जो उनकी अरेंजमेंट होती हैं, उनकी बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया पाई शेप्ड होते हैं, रोड्स क्लस्टर शेप, चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। और थर्ड है कि हम उनकी कल्चर प्रैक्टिस, यानी उनकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी कॉलोनी किस तरह की अपेयरेंस दे रही है, किस तरह की जो है वो उसका कलर है, उसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बैक्टीरियाज को। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म। ये इसमें मैनी टेस्ट आ जाते हैं जिसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ग्राम स्टेन रिएक्शन से शुरू करते हैं। मेरा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो बायोकेमिकल टेस्ट पे है, और बाकी ये जो तीन है इनका सिर्फ मैंने थोड़ा सा ही बताया है, डिफाइन किया है। ग्राम स्टेन रिएक्शन के बारे में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें हम क्या परफॉर्मेंस करते हैं, यानी जो हमारा बैक्टीरियम इनोकुलम होता है हमारी स्लाइड के ऊपर, हम उसके ऊपर हम अपना डाई यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, और पर्पल कलर देता है। पर्पल कलर देने के बाद जब हम उसके ऊपर अपना यूज़ करते हैं आयोडीन, जो कि मॉडर्न के तौर पर एक्ट करता है, उसको प्रेस करने के बाद हम अपना यानी कि जो पर्पल कलर शो करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब हम उसके ऊपर अल्कोहल से उसको डीकलराइज करेंगे, तो जो बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाएंगे वो ग्राम नेगेटिव होंगे, और जो पर्पल कलर शो कर रहे होंगे, जो डीकलराइज नहीं होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद हम अपना यूज़ करते हैं सेफ्रानिन स्टेन यूज़ करते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव को स्टेन करता है पिंक कलर में। तो ग्राम स्टेन के रिएक्शंस में जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे पास पर्पल कलर और ग्राम नेगेटिव के लिए पिंक कलर आता है, जिसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सेकंड मैंने बोला था शेप एंड अरेंजमेंट की बेस पे, शेप एंड अरेंजमेंट की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो इसमें भी सिंपल बात है, वो आप ये भी हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, लाइक इकोलाई रोड्स शेप्स होती हैं। ये मैंने डिफरेंट शेप्स बताई हैं, स्टैफिलोकोकाई की, सेक्रिना की, टेट्राड फॉर्म में, रोड्स फॉर्म में, स्पाइला फॉर्म में, ठीक है। तो इनकी शेप्स की बेस पे जो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना जो है ना, वो इसके अंदर आता है। थर्ड टेस्ट था कॉलोनी, जो कॉलोनी की जो मॉर्फोलॉजी है उसकी बेस पे डिफ्रेंशिएट करना बैक्टीरिया को। तो इसमें कल्चर प्रैक्टिस में यहाँ पे हमने एग्जांपल लेनी है कि हमने अपना मीडिया लेना है मैकोनी एगर, ठीक है, और उसमें हमने अपना जो इनोकुलम जो है वो डालना है, और उनके अंदर हमने कॉलोनीज की जो शेप्स हैं, जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, वो चेक करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मीडिया है वो डिफरेंशियल कल्चर मीडिया है मैकोनी एंड ब्लड एगर। ब्लड एगर कॉलोनीज में जो यानी कि जब उसमें कॉलोनीज ग्रो करती हैं ब्लड एगर के अंदर, तो उसमें वो यानी कि तीन तरह के पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं, हीमोलाइटिक पैटर्न्स उनको हम बोलते हैं। हीमोलाइटिक पैटर्न्स यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइसिस करते हैं जिसमें, तो इसमें तीन तरह के पैटर्न्स शो करते हैं बैक्टीरिया, बीटा हीमोलाइसिस, अल्फा हीमोलाइसिस और गामा हीमोलाइसिस। और इनकी बेस पे हम बैक्टीरिया को जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन से वाले बैक्टीरिया गामा हीमोलाइसिस कर रहे हैं, कौन से अल्फा, कौन से बीटा। तो कॉलोनी का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वाली हीमोलाइसिस हो रही है, वो उनकी अपेयरेंस से। तो जो अल्फा हीमोलाइसिस होती है उसमें जो कॉलोनी होती है वो सराउंडिंग हुई होती है विद द ग्रीनिश कलर, यानी उसके जो जोन बनता है कॉलोनी के सराउंडिंग पे, जहाँ पे उन्होंने मीडियम को यूज़ किया, तो वो ग्रीन कलर का शो करते हैं जोन। जबकि जो बीटा हीमोलाइसिस होती है उसके सराउंडिंग पे जो वाइट जोन होता है वो क्लियर होता है, ठीक है, नो कलर, क्लियर हीमोलाइसिस होती है। जबकि जो गामा हीमोलाइसिस होती है उसमें नो हीमोलाइसिस, यानी कॉलोनी के सराउंडिंग में कोई हीमोलाइसिस परफॉर्म नहीं हुई होती। तो इस बेस पे हम बैक्टीरिया को, यानी ये जो लाइसिस है ब्लड एगर में जो वो परफॉर्म करते हैं, उसकी बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बैक्टीरियाज को। तो नेक्स्ट हमारा मेन आ जाते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। डिफरेंट बैक्टीरिया बायोकेमिकल टेस्ट के रिजल्ट पर डिफरेंट यानी कि रिजल्ट देते हैं, कुछ बैक्टीरिया पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ बैक्टीरिया नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे हमें उनका जो है ना आइडेंटिफिकेशन होती है।
तो बायोकेमिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आ जाता है कैटालेज टेस्ट। इस टेस्ट में हमने प्रेजेंस चेक करनी होती है कैटालेज की, जो कि एक एंजाइम है जो क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिलीज करवाता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। तो इस लिहाज से हम उसको यूज़ करते हैं बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया लाइक स्टेफलोकोकाई जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कैटालेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिलीज करवाएगा, और कुछ जो है जैसा कि स्टेफलोकोकाई हैं वो नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यानी वो कैटालेज प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस लिहाज से इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या रहता है कि द एंजाइम्स कैटालेज मीडिएट्स द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि कैटालेज एंजाइम्स किस लिए यूज़ हो रहा है, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन कर रहा है और उससे ऑक्सीजन रिलीज करवा रहा है और वाटर की फॉर्मेशन करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम कैटालेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो अब हम उसका आगे सेटअप पढ़ने लगे हैं, तो उसमें जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होगा अंदर, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमारे पास, यानी कि हमने सेटअप किया होता है प्रैक्टिकल में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आइसोलेट, वो कैसे हम चेक करते हैं कि जो स्मॉल इनोक्यूलम होता है उसके अंदर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से, जिसके अंदर यानी कि जो टेस्ट पॉजिटिव देगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑक्सीजन बबल्स बनेंगे, मीन्स के जो कैटलिस्ट टेस्ट है वो उसके अंदर पॉजिटिव है, उसके अंदर एंजाइम मौजूद है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज करवा रहा है, जो कि बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है। और अगर कैटलिस्ट मौजूद नहीं है, यानी कि वो इनोक्यूलम जो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का वो इनोक्यूलम जो कि ये इसके लिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जिनके अंदर कैटालेज एंजाइम मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बबल्स की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो मेन जो हमारा पर्पज है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का, जैसा कि अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है, अब हमने कुछ टेस्ट करे जिसमें हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो अब कुछ की मॉर्फोलॉजी ही सिमिलर है, तो उनके उस पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर पीछे वाले जो टेस्ट है वो मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हम ये वाले टेस्ट जो है ना परफॉर्म करते हैं, लाइक एंटीरोकोकस, स्पेलिंग गलत हो गया मेरे, एंटीरोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेज नेगेटिव एंड स्टेफलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट है। यानी ये एंटीरोकोकस है ये कैटालेज नेगेटिव टेस्ट, यानी इनके पास कैटालेज एंजाइम मौजूद नहीं है, और कैटालेज पॉजिटिव जो है ये इनके पास जो है ना कैटालेज एंजाइम मौजूद है, जो कि स्टेफलोकोकस है। और ये वाला जो टेस्ट है ये हम परफॉर्म कर सकते हैं एरोबिक और ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो हम प्रोसीजर भी आ जाते हैं, हम यहाँ पे ट्यूब मेथड यूज़ करेंगे और स्लाइड मेथड यूज़ करेंगे। दो तरह के मेथड्स हैं। ट्यूब मेथड में क्या करेंगे हम, जो है ना जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें 1 to 2 ml जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, और एक स्टीराइल वुडन स्टिक यूज़ करते हुए या कुछ ग्लास रॉड यूज़ करते हैं हम सेवरल कलोनीज जो हमने कल्चर ग्रो करवाए हुए हैं बैक्टीरिया के, जो कि तकरीबन 18 to 24 hours तक ग्रो कर चुकी हैं, उनमें से टेस्ट ऑर्गेजम लेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में इमर्स कर देंगे, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि आइदर उसमें बबलिंग होती है या नहीं होती। और स्लाइड मेथड भी सिंपल है, इसमें हम स्लाइड लेंगे, हम एक लूप और स्टीराइल वुडन स्टिक से हम अपना जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कलोनी है अपनी कल्चर प्लेट से वहाँ से लेके उस ड्राई ग्लास स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे और उसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अबाउट 3%, और हम अपना जो है ना देखेंगे कि बबलिंग होती है या नहीं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, जो मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, टेस्ट ट्यूब्स के और प्लेट मेथड के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में इसमें बबलिंग हो रही है और इसमें बबलिंग नहीं है, मीन्स जिसमें बबलिंग हो रही है टेस्ट ट्यूब में वो कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट है, यानी उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं और ये कैटालेज नेगेटिव। इसी तरह जो हमने स्लाइड पे परफॉर्म किया उसमें जिसमें बबलिंग नहीं है वो कैटालेज नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, और जिसमें बबलिंग हो रही है वो कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया जो है ना पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, कौन से नेगेटिव। तो एग्जांपल्स जो कि पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं या कैटालिस्ट पॉजिटिव टेस्ट देते हैं वो है स्टेफलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लिस्टेरिया, प्राइन बैक्टीरियम, डिप्थेरिया एंड मैनी अदर्स, और एंटीरो बैक्टीरियस या फैमिली पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व है। जबकि जो नेगेटिव टेस्ट देते हैं, या नेगेटिव टेस्ट में ये होता है कि बहुत ही कम बबल्स बनते हैं या बिल्कुल नहीं बनते, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटीरोकोकस स्पीशीज हैं। तो यहाँ हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टेस्ट आ जाता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट का पर्पस क्या है, यानी इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करते हैं, आपने साइटोक्रोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है,
ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन द बैक्टीरिया वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट हम जब परफॉर्म करेंगे इसको हम रिडोक्स डाइट्रेट्रा मिथाइल पी फिनाइलिन डायमाइन में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस, जिसकी वजह से कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं और कौन से नेगेटिव दे रहे हैं। अब जब हम इस टेस्ट इस यानी कि डाई के साथ अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये डाई जो है वो पर्पल कलर जो है ना रिड्यूस होने के बाद पर्पल कलर शो करेगी, जो कि हमें हमारे टेस्ट के बारे में बताएगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इस टेस्ट को हम यूज करते हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्यूडोमोनास की, नाइजीरिया की, एल्केलिजेंस की, एरोमोनास की, कैंपाइलोबैक्टर विब्रियो एंड मैनी अदर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ रिएजेंट्स इस टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से तीन का यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, जिसमें से हम यानी कि इनको आगे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोवैक्स ऑक्सीडेज रिएजेंट, इसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, 1% टेट्रा मिथाइल पी फिनाइलिन डायमाइन डाइक्लोराइड इन वाटर। दूसरा जो रिएजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बोर्डोन एंड मैक्लियोर रिएजेंट है, और तीसरा जो है वो गैबी एंड हैले रिएजेंट है। इनको हम इन तीनों का हम अपना टेस्ट जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या आ जाता है, प्रिंसिपल ये है इस टेस्ट का कि साइटोक्रोम कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीडेज एंजाइम्स, ठीक है। दिस ऑक्सीडेज एंजाइम्स कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम सी, और हमने ये प्रेजेंस चेक करनी है अपने मीडिया जो अगर सेटअप है उसको देखते हुए। ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कंटेन साइटोक्रोम सी एज पार्ट ऑफ देयर रेस्पिरेटरी चेन आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड टर्न द रिएजेंट ब्लू और पर्पल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीडेज एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है, मीन्स वो साइटोक्रोम सी जो है वो अपने रेस्पिरेटरी चेन के तौर पे उसको तो अपने अंदर मतलब रखते हैं, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव टेस्ट देना देंगे तो उनका कलर ब्लू या पर्पल हो जाएगा। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर साइटोक्रोम सी जो है उनके रेस्पिरेटरी चेन के तौर पर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएजेंट को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे और उसको कलरलेस ही छोड़ देंगे। तो साइटोक्रोम सिस्टम जो है ना यूजली ओनली प्रेजेंट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब यह है कि ये हम टेस्ट जो है ना वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करेंगे। और ये इसका पर्पज़ है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है, ये पीछे मैं बता चुकी हूँ, नाइजीरिया मोरेक्सिला कंपाइलोबैक्टर वाली स्पीशीज़ में जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव स्पीशीज देती हैं। उसके अलावा बहुत सी जो स्यूडोमोनास की स्पीशीज़ हैं, रिलेटेड स्पीशीज हैं, आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, मैनी मेथड्स हैं यहाँ पे इसके परफॉर्म करने के टेस्ट, जैसा कि फिल्टर पेपर टेस्ट है, डायरेक्ट प्लेट मेथड टेस्ट है, स्वैब मेथड, इंपरजिनेटरी ऑक्सीडेज ट्रीट मेथड, टेस्ट ट्यूब मेथड। इसमें से मेरे ख्याल में मैंने 3-4 मेथड जो है ना यहाँ पे बताए हैं। तो पहले मेथड की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट प्लेट मेथड। तो इसमें क्या हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रिएजेंट, जो 3 रिएजेंट पढ़ के आए हैं उनमें से हम एक रिएजेंट यूज़ करेंगे। अब उन रिएजेंट्स का भी मतलब डिफरेंट जो है ना वो एफिशिएंसी होती है, तो वो भी आप आगे यहाँ पे देख लेंगे। 3-2 ड्रॉप्स हम रिएजेंट के डायरेक्टली जो है ना वो प्लेस करते हैं कॉलोनीज के ऊपर अगर प्लेट में, और हमें जो रिएजेंट है वो इतनी अमाउंट में डालना कि फ्लड की तरह मतलब लिटिल अमाउंट में 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है। और हमने उधर जो है कलर चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करनी है विद इन 10 seconds, ठीक है। अब जो हम मैंने पीछे रिएजेंट्स बताए हैं उनकी सिर्फ ना वो अपने टाइमिंग की बेस पे डिफरेंट है कि इतने टाइम में ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे तो इतने टाइम में रिजल्ट देगा, दूसरा वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे तो इतने टाइम में रिजल्ट देगा। तो सिर्फ वो जो रिएजेंट है उनमें टाइम की बेस पे जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। जब हम कोवैक्स ऑक्सीडेज रिएजेंट यूज़ करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव व्हेन द कलर चेंजेस टू डार्क पर्पल विद इन 5-10 seconds, यानी अगर हम कोवैक्स ऑक्सीडेज रिएजेंट यूज़ करेंगे हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 5-10 seconds में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और वो आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम देखेंगे। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिले कर देते हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव देना रिजल्ट, ठीक है, और कलर चेंजेस जो है वो पर्पल हो रहा है विद इन 60-90 seconds, अगर तो रैपिड रिजल्ट दे रहा है तो वो कितना है 5-10 seconds में आ जाएगा। अगर डिले करता भी है मैक्सिमम तो तकरीबन 60-90 seconds डिले करेगा और पर्पल कलर देगा, ठीक है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, इवन दैट अगर हम उसको 2 मिनट्स तक भी प्लेस रखें यानी 2 मिनट्स तक भी उसको अगर पड़ा रहने दें। तो ये हमने बात की और कोवैक्स ऑक्सीडेज रिएजेंट की। अगर हम गोर्डोन एंड मैक्लियोर रिएजेंट यूज़ करते हैं तो इसमें जो हमारे पास टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आना होगा उसके लिए वो लेगा तकरीबन 10-30 मिनट्स और कलर में चेंज पर्पल नहीं बल्कि रेड आएगा, ठीक है। ये रिएजेंट्स की बेस पर डिफरेंस है।
है, या फिर ब्लैक आएगा विद इन 60 मिनट्स, यानी रैपिड रिजल्ट और डिलेड रिजल्ट। इसमें जो हमारा रैपिड रिजल्ट था वो 5 to 10 सेकंड्स में आ रहा था पर्पल कलर, और डिलेड रिजल्ट 60 to 90 सेकंड में आ रहा था पर्पल कलर। यहाँ पे रैपिड टेस्ट जो है, रैपिड रिजल्ट 10 to 30 मिनट्स में आ रहा है हमारे पास रेड कलर, ठीक है, और मजीद अगर हम लेट भी करते हैं तो ब्लैक कलर आएगा इन 60 मिनट्स पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव टेस्ट आ रहा है तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा। वो हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्लेट मेथड। अब यहाँ पे हम ड्राई फिल्टर पेपर मेथड और वेट फिल्टर पेपर मेथड पढ़ेंगे। इसमें तकरीबन ये सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि वो फिल्टर पेपर वेट होता है, ये ड्राई होता है। तो हम यहाँ पे फिल्टर पेपर ले लेंगे, वाट्समैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, ठीक है। उसका हम सोप करेंगे 1% सोल्यूशन ऑफ ये डाई हम यूज़ कर रहे हैं, टेट्रा मिथाइल जो मैंने पीछे बताई है आपको। और आफ्टर ड्रेनिंग फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स स्ट्रिप्स को हम ना फ्रीज कर देंगे और स्टोर कर लेंगे डार्क बॉटल में, और जब हमें वो रिक्वायर्ड होंगी हम उनको यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्ट्रिप है उसको निकालेंगे और बैटर डिश पे प्लेस करेंगे और उसको डिस्टिलेट वाटर से मॉइस्टन करेंगे, और हम अपनी जो कलोनी जिसको हमें टेस्ट करना है उसको हम प्लेटिनम लूप के साथ जो है वो पिक करेंगे और उस मॉइस्ट एरिया के ऊपर स्मियर कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे हमें कलर चेंजेस नज़र आएंगे। जो पॉजिटिव रिएक्शन है आप पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव होंगे वो पर्पल कलर देंगे, अगर रैपिड रिजल्ट दे रहे हैं तो 5 to 10 सेकंड्स में, और अगर डिलेड पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो कलरेशन 10 to 60 सेकंड्स में शो होगी लेकिन होगी पर्पल। और अगर नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो जितना मर्जी लेट कर लें हम तो भी कोई कलरेशन नहीं हो। वेट फिल्टर पेपर मेथड सिंपल है। इसमें हमारा जो फिल्टर पेपर होता है वो उसको हम फ्रेशली जो है ना वो 1% सोल्यूशन ऑफ रिएजेंट के साथ हम इसको सोक किया होता है, ठीक है। हम अपना कल्चर लेते हैं और उस प्लेटिनम लूप के थ्रू उस वेट एरिया के ऊपर हम उसको स्मियर कर देते हैं। इसमें जो पॉजिटिव रिएक्शन है इंटेंस डीप पर्पल ह्यू आएगी जो कि 5 to 10 सेकंड्स में शो होगी, और डिलेड पॉजिटिव रिएक्शन अगर आता है इसके अंदर तो तकरीबन 10 to 60 सेकंड्स जो है ना वो लगेंगे, और जो नेगेटिव रिएक्शन है उसमें कोई कलर चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेस्ट ट्यूब मेथड। ये फोर्थ मेथड है उसी का, ठीक है, और इसमें हम अपना गैबियन हेल्ड रिएजेंट्स यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, फ्रेश कल्चर जो कि तकरीबन 18 to 24 आवर्स ओल्ड हो उसमें हम बैक्टीरिया का तकरीबन 4 to 5 ml ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रोथ रखते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, उसमें 0.2 ml जो है वो 1% अल्फा लैक्टोल का जो है वो ऐड करेंगे, और 0.3 ml ऑफ 1% जो हमारी डाई है वो यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास जो रिएजेंट है वो गैबिया एंड हेल्डी रिएजेंट्स है। अब हम अपने टेस्ट ट्यूब को विगोरसली जो है वो शेक करेंगे कि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए और ऑक्सीजनेशन ऑफ द कल्चर जो है ना वो शुरू हो जाए। अब क्या करेंगे, हम अपना कलर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो उन्होंने जो हमें टेस्ट ट्यूब दिखाई है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं तो वो कलर चेंजेस शो करेंगे ब्लू 15 to 30 सेकंड्स में, मीन्स ये वाली ब्लू कलर की टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है हमें। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिलेड रिजल्ट देते हैं पॉजिटिव हो लेकिन तो कलर चेंजेस पर्पल ही होगी लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी 2 to 3 मिनट्स में, ठीक है। और अगर नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं ऑक्सीजन नेगेटिव टेस्ट है तो कोई कलर चेंजेस नहीं आएगी हमारे सॉल्यूशन में। तो हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बस हमने यहाँ पे देखने के कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव देते हैं और कौन से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट में डीप पर्पल और ब्लू कलर आता है जबकि नेगेटिव रिजल्ट में नो कलर। तो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो ये हैं, स्यूडोमोनास, नाइजीरिया, अल्केलिजेंस, एरोमोनास, जबकि जो नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ एंटीरियो बैक्टीरिया, फैलनीमेस, फॉर एग्जाम्पल ईकोलाई जो है सिर्फ वो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट, यानी इसमें हमने देखना है कि कौन से बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करते हैं और कौन से बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन नहीं करते। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा बाकी टेस्ट के नस्बत। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट को हम यूज करते हैं डिटरमिन करने के लिए। आपका सिर्फ जो है 3 मिनट का टाइम बाकी है, 3 मिनट आगे कितने हैं अभी? अभी काफी काफी है, चलो ठीक है ठीक है, वो उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे भी करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू। सर मैं कंटिन्यू रखूं या कल शुरू करें यहां से? कंटिन्यू करेगा 2 मिनट जब तक है तब तक चलाएं, लेकिन कुछ रहेगा आज इस वाले को मुकम्मल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट है उसको हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। थोड़ा सा जो है ना ब्रीफ कर दें इसको, डिटेल में ना जाएं करके,
मुसल करके बयान कर दे, चूंकि टेस्ट ज्यादा है। जी सर, जी सर, तो इसमें सिर्फ ये होता है डिफरेंशिएट करते हैं हम बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया जो है वो, यानी कि हम देखते हैं कि किसने पॉजिटिव टेस्ट दिया या नेगेटिव, वो ऑन द बेस ऑफ एसिड और गैस प्रोडक्शन की बेस पे। जो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होंगे, कुछ बैक्टीरिया सिर्फ सिर्फ गैस प्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ सिर्फ एसिड प्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं, और कुछ जो है वो एसिड और गैस दोनों जो है ना वो परफॉर्म कर प्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज वगैरह को उन्होंने यूज़ करना होता है। उसके अलावा हम इसमें दुर्हम ट्यूब यूज़ करते हैं जो हम इन्वर्टेड करके अपने टेस्ट ट्यूब में प्रेस की होती है गैस की प्रेजेंस चेक करने के लिए। तो यूजेस में सिंपल यही है कि हम इसमें जो डिफरेंट बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है, प्रिंसिपल यही है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम पीएच इंडिकेटर पीएच के टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होनी होती है गैस एसिड की, ठीक है। और एसिड की प्रोडक्शन के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीएच की कलर चेंजेस भी आती हैं, तो हम पीएच पेपर यूज़ करके अपना जो है ना चेक करते हैं इसमें एसिड की प्रोडक्शन हुई है या नहीं, चेक करने के लिए कि टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो डायरेक्ट हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो फिनोल रेड कार्बोहाइड्रेट प्रोब जो है वो कॉमनली इसके टेस्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, फिनोल रेड कार्बोहाइड्रेट। और कॉमन ब्रोथ मीडिया जो है वो इसमें फिनोल रेड ग्लूकोज ब्रोथ, लैक्टोज या माल्टोज हो सकते हैं। इसको हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसके मीडिया को, या फिर प्रिपेयर जो कम्पोजिशन है मीडिया की वो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कम्पोजिशन लिखी है, ये मैंने सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन लिखी थी, यानी एक्स्ट्रा, ठीक है, वरना हम सिर्फ यहाँ पे अपने जो मीडिया है वो हम प्रिपेयर्ड भी ले सकते हैं। ये प्रिपरेशन है, तो हमने अपना मीडिया जो है वो लेना है, उसके अंदर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो 100 ml डिस्टिलेड वाटर होना चाहिए, और जो कि डेंटिटी डिजोल्व करना है, और तकरीबन उसके अंदर 3 × 100 ml जो टेस्ट ट्यूब जो है 4 to 5 ml उसमें हमारे पास फिनोल रेड कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ होना चाहिए, और उसके अलावा डुरहम ट्यूब जो है वो हमने उसके अंदर इंसर्ट करनी है, उसके बाद हमने इसको ऑटोक्लेव करना है स्टरलाइजेशन के लिए। इसके बाद हमने अपना जो इनोक्यूलम है उसको इनोक्यूलेट करना है, एसेप्टिकली इनोक्यूलेट करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने अपने ऑर्गेनिज्म को लूप और नीडल के थ्रू, ठीक है। और ई टेस्ट ट्यूब जो है उसमें 1 to 2 drops 18 to 24 hours जो ओल्ड कल्चर है हमारे बैक्टीरिया का वो हमने अंदर प्लेस करना है, और इतने टेम्परेचर पर हमने उसको इतने आवर्स के लिए इनक्यूबेट करना है। तो इसके रिजल्ट में जो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है ये अन इनोकुलेटेड है, यानी कि इसमें कोई इनोकुलेशन यानी कि नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें कोई गैस प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, और कोई पीएच के चेंजेस भी नहीं, यानी कि एसिड प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, कोई चेंजेस नहीं आ रही। जबकि ये देखें ये दुर्हम ट्यूब है, इसके अंदर गैस की